हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर एन सिंह, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोग को मोदी केयर का एलोवेरा जूस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ मोदी केयर का जो है एलोवेरा जूस है। इस वीडियो के बारे में जानने से पहले दोस्तों मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब कर नहीं किया तो, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा मोदी केयर का कोई भी वीडियो बने तो आप तक सही जानकारी पहुंचे। चलिए दोस्तों मैं एलोवेरा के बारे में बता दूं। एलोवेरा कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है, एलोवेरा के नाम से जाना जाता है, और कुंवर गंधल के नाम से भी जाना जाता है, कुंवर पाठा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में इसको घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों आयुर्वेद में इसको महाराजा का स्थान भी दिया गया है। यह एक जो है बहुगुणी औषधि मानी जाती है, यह औषधि का बहुत ही बेहतरीन पौधा है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति मैं बता दूँ, संभवतः उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी, और इसका उल्लेख आयुर्वेद में प्राचीन ग्रंथों से ही मिलता है। दोस्तों एलोवेरा देखने में आपको जो है इसके जो पत्तियां जो होती हैं मोटी मोटी होती हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं, अजीब सा पौधा होता है, लेकिन यह जो है गुणों का खान होता है। दोस्तों एलोवेरा बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, जिसको मैं अपने इस वीडियो में आज बताऊंगा। मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में जो है गुआर पाठा या घृत कुमारी के नाम से या हरी सब्जी के नाम से प्राचीन काल से ही जाना जाता है। यह कांटेदार पत्तियाँ हैं जिसमें कि यह कई रोगों में काम आता है। यह गुणों का खान माना जाता है एलोवेरा, इसकी पत्तियां जो होती हैं। औषधि की दुनिया में इसे संजीवनी का भी स्थान दिया गया है। इसकी लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है 200 प्रजातियां हैं, परंतु प्रथम पांच ही जो है शुरुआत की जो प्रजाति है मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है। एलोवेरा की जो है बारना डेंसिस नाम की जो प्रथम प्रजाति है दोस्तों, इसमें जो है 18 प्रकार की धातु और 15 अमीनो एसिड, 12 विटामिन मौजूद हैं। दोस्तों मैं आज अपने इस वीडियो में जो है एलोवेरा के बारे में पूरा बताऊंगा। दोस्तों एलोवेरा मोदी के का जो जूस है बहुत ही अच्छा जूस है, 99% जो है एलोवेरा का जूस है। लेकिन एलोवेरा में दोस्तों जो है एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दोनों ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको पीने से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है, और इतना ही नहीं दोस्तों पेट के लिए एलोवेरा एक तरह से अमृत माना जाता है। अगर किसी को कब्जियत की शिकायत हो, पेट नहीं साफ रहता हो, भूख नहीं लगती हो, लीवर फैटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या पीलिया की शिकायत हो, ऐसे में जो है एलोवेरा का आप जो है जूस ले लीजिए मोदी केयर का और सेवन करिए। बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों ये पेट की सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। जिसको गैस बनता है वो भी एलोवेरा का जूस जो है डेली यूज करें, और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को बवासीर की भी शिकायत हो दोस्तों, तो बवासीर में भी बहुत ही अच्छा काम करता है मोदी केयर का एलोवेरा जूस। और इतना ही नहीं दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये एलोवेरा जूस। और त्वचा की खराबी है, किसी को त्वचा पर जो है झुर्रियाँ पड़ गई हों और जो है त्वचा जो है बिल्कुल सेल डेड हो गया है उनके त्वचा का, उस पर जो है अगर आपके आसपास कहीं पौधा मिलता है एलोवेरा का, तो उसकी पत्तियां को तोड़ करके अपने स्किन पे लगाएं, आपका जो है कील मुहासे भी साफ़ हो जाते हैं और झुर्रियां जो है वो साफ़ हो जाती हैं, और उसके साथ सुबह शाम जो है एलोवेरा का जूस आप इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं दोस्तों, किसी को बहुत ज़्यादा कील मुहासे होता है उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है हमारा जो मोदी केयर का जो है एलोवेरा जूस। और दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि आंखों के नीचे जो होता है काले घेरे बन जाते हैं, अगर ऐसे पेशेंट हैं तो मोदी केयर का एलोवेरा जूस जो है आप पिए, बहुत ही जल्द जो है घेरे साफ हो जाएंगे। अगर अच्छा रिस्पांस चाहिए तो आप, अगर आपके आसपास जो है एलोवेरा की पत्तियाँ मिलती हैं तो उसको डायरेक्ट चेहरे पर लगाइए, बहुत जल्द साफ भी कर देता है। फटी हुई एड़ियाँ हैं दोस्तों, उस पर भी आप पत्तियों को लगा सकते हैं, उसका जेल लगा सकते हैं, बहुत लाभदायक होता है। और जिसको स्किन संबंधी, पेट संबंधी ऐसी प्रॉब्लम होती है, एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करें, बहुत ही जल्दी क्योर कर देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सी महिलाओं में जो है देखने को मिला है कि खून की कमी होती है, महिलाएं जो है खून कम होने के कारण अनेकों प्रकार की एनीमिया जैसी शिकायत आने लगती है, और समस्याएँ कमजोरी आने लगती है, थकान होने लगता है, एलोवेरा जूस पीने से जो है खून की भी कमी पूरी हो जाती है, और भूख भी बहुत तेज़ी से लगता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, जल्दी कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। मैं बता दूं दोस्तों कि एलोवेरा का जूस जो होता है गुणों का खान होता है, इसमें अनेकों प्रकार के जो है गुण पाए जाते हैं। बहुत से लोग जो है ये जो है घाव लग जाने पर भी इसका जो पत्तियां होता है इसके गुदे को लगाते हैं या इसका जेल को लगाते हैं, घाव सही हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दोनों गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो है कोई भी घाव हो, कटा हो, छिला हो, लगाने से बिल्कुल सूख जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आजकल देखने को मिला है बहुत सारी कंपनियाँ जो है सौंदर्य निखार के लिए जो है हर्बल प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एलोवेरा जूस हुआ, एलोवेरा लोशन हुआ, हेयर जेल हुआ, स्किन जेल हुआ, शैम्पू, साबुन, फेस वाश, बहुत सारे आइटम जो है एलोवेरा के निकल चुके हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छा जानता हूँ दोस्तों कि मोदी केयर का एलोवेरा जूस आप पिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर के सारी जो है टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्सीफायर होता है एलोवेरा, और स्किन में टोन आ जाता है और एक जो है निखार आ जाती है हमारे स्किन पे। और दोस्तों इतना ही नहीं, जिसका बाल अगर बहुत तेज़ी से झड़ रहा है तो एलोवेरा जूस का डेली सेवन करें और बहुत ही जल्दी जो है बाल झड़ना रुक जाएगा। मैं दोस्तों आप लोग को एलोवेरा के बारे में कुछ और हट के चीज़ें बताऊंगा। एलोवेरा की पत्तियां जो होती हैं बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसको जो है मेहंदी में, अगर इसकी पत्तियों का जो है रस निकाल करके मेहंदी में मिला कर लगाएं तो बाल जो होते हैं चमकदार होते हैं। और इतना नहीं, जो पुरुष होते हैं अपना शेविंग करने के बाद जो है कोई लोशन ना लगाएं, डायरेक्ट इसके जो है पत्तियों का जो है जेल लगाएं और छोड़ दें कुछ देर तक, क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण होने के कारण वो स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है और पूरी त्वचा को भी मुलायम कर देता है और त्वचा में निखार भी आ जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जेल को सोने से पहले पूरे चेहरे पर लगा कर सोएँ और सुबह उठ करके धो लें, आपका चेहरा बिल्कुल जो है दमक जाएगा। और बहुत सी महिलाओं का देखते हैं डिलीवरी के बाद जो है आफ्टर बर्थ जो होता है पेटों पे स्ट्रेच पड़ जाते हैं, उसमें जो है इसका पेस्ट लगाएं और एलोवेरा का जूस पिए, उनके अंदर जो भी कमियां रहेंगी सारी कमियों को पूरा कर देता है। और जिन महिलाओं को मैं बता दूं कि बच्चेदानी संबंधी कोई समस्या हो तो वो एलोवेरा का जूस जो है यूज करें, बहुत ही जल्दी उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को पीरियड के समय जो है दर्द होता है या इरेगुलर पीरियड होता है या सिस्ट ओवरी सिस्ट बन जाते हैं, ऐसे में भी बहुत ही फायदेमंद है एलोवेरा जूस। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं एलोवेरा जो हमारा मोदी केयर का एलोवेरा जूस है कैसे लेते हैं। एलोवेरा का जूस जो है दोस्तों 15 से 20 ml एक गिलास पानी में खाली पेट सुबह और शाम दोनों टाइम जो है खाना खाने से आधा घंटा पहले लिया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा। और दोस्तों इसको पीने के बाद जो है इसको हमेशा जो है ठंडे स्थानों में या फ्रिज में रखें और बोतल खोलने के 45 दिन के अंदर ही इसको पूरा जो है जूस ख़त्म कर डालें, इससे अधिक दिन न रहें, इसको डार्क में रखें, हमेशा ठंडे स्थान पर रखें। एलोवेरा जूस जो होता है पुरुष या महिला दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल करने से अनेकों प्रकार की जो है बीमारियाँ दूर रहती हैं, पेट में कब्जियत नहीं रहती हैं, बाल नहीं झड़ते हैं और स्किन पे एक जो है टोन रहता है, चमक रहती है। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।